हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के लिए जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक है उसकी एक्सरसाइज 10.7 पे आ गए थे हम। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो इसका टॉपिक है उसको क्लियर करते हैं। और टॉपिक हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस, यहाँ पे कोई दो लाइन है, ठीक है, इनके बीच का ये जो एंगल है ये हमको फाइंड करना होगा। लेकिन गिवन क्या, आपको जो लाइन होती है ना उनकी जनरल फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो जनरल फॉर्म में दो इक्वेशन मिल रहे हैं लाइंस के, इनके बीच का एंगल हमको फाइंड करना है। ओके, तो इसको मैंने L1 लाइन लेट कर लिया, ऐसा कुछ इक्वेशन मतलब लाइन आएगी इसकी ग्राफ में। और जो सेकंड लाइन है उसको मैंने L2 लेट किया है। तो अब ये जो आपको लाइन मिल रही है यहाँ से, तो आप ओनली स्लोप फाइंड कर सकते हो ना, यहाँ से इसकी M1 और इसकी M2 स्लोप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो लाइंस हैं ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कुछ तो एंगल बनाएंगी ना, वो इंक्लाइनेशन मैंने L1 के लिए थीटा1 और L2 के लिए θ2 लेट किया है, ठीक है। आपको स्लोप से ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, ये मान के चलो आप, है ना, मान के क्या, बस दो लाइन देखा तो लाइन से तो स्लोप फाइंड कर ही सकते हो। जैसे कि फर्स्ट लाइन है तो वहां से स्लोप M1 क्या आएगी, स्लोप क्या होती है, y=mx + c फॉर्म में आप लाइन को क्रिएट करके वहां से x का कोफिशिएंट निकालोगे तो स्लोप आएगी। या फिर प्रीवियस जो एक्सरसाइज की थी हमने, वहां से हमने सीखा था कि जो M1 है लाइन फर्स्ट की जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ओके, ऐसे ही जो दूसरी लाइन है उसकी स्लोप क्या आएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। या फिर y=mx + c फॉर्म में लिखोगे आप तो वहां पे जो m है मतलब x का कोफिशियंट वो आपको m1 और m2 देगा अलग अलग लाइन से, ठीक है। यानी आपको m1 और m2 मिल चुकी हैं। अगर मैं m1 को tan θ1 ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि लाइन जो फर्स्ट है उसका x एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन θ1, इसके अगर मैं टेंजेंट लूंगा तो वो m1 आएगी ना, तो m1 मतलब tan θ1 आपको ये मिल रही है, ठीक है। और m2 tan θ2, ठीक है, tan θ2, ओके, अरे ये 2 है, अच्छा अब क्या कह रहे हैं, तो लाइन के बीच में जो एंगल है ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं हम, कैसे, θ2। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या, किसके को लाएगा ये एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी θ + θ1। ओके, अच्छा अब यहां से मेरे को तो थीटा फाइंड करना है ना, तो थीटा क्या आएगा, θ2 - θ1, ठीक है। अगर मैं बोथ साइड टेंजेंट यूज करूं तो क्या आएगा, tan θ = tan θ2 - θ1, ठीक है। यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगी है tan a - b वाली, वो क्या होती है, tan a - tan b / 1 + tan a - tan b। तो tan थीटा किसके को लाएगा, tan θ = tan θ2 - tan θ1 / 1 + tan θ2 - tan θ1, ठीक है। tan theta equal, अब ये जो tan theta 2 और tan theta 1 है इनकी वैल्यू हमारे पास है, m1 m2 की फॉर्म में थी ना, tan theta 1 को m1 और tan theta 2 को m2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये तो बन गया m2, ये m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। आप यहां से जो एंगल फाइंड करोगे वो कैसे फाइंड होगा, ये tan को इधर ट्रांसफर कर देना, tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। बुक में आपके यहां पे मोड दे रखा होगा या फिर प्लस माइनस दे रखा होगा, वो किस लिए दे रखा है वो अभी बताते हैं। तो जो फॉर्मूला है वो ये होगा आपका m1 m2, वो मोड किस लिए अप्लाई किया, देखो ये जो लाइन हमको दे रखी है तो इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल ये हो सकता है, ये दोनों लाइन ये भी तो हो सकता है। अब ये मत बोलना सर ये भी और ये भी हो सकता है, ये तो अपोजिट इंटीरियर सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे, जितना ये उतना ये, मतलब या तो ये एंगल होगा या ये एंगल होगा, ये एंगल भी इन दोनों लाइनों के बीच में, ये एंगल भी इन दोनों लाइनों के बीच में। अगर ये एंगल एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है, मतलब 180 - θ होगा क्योंकि लीनियर पेयर है ये। तो 180 - θ करके सोल्व करोगे आप पे, टेन से टेन 180 - θ करोगे तो क्या आएगा, -tan θ आएगा, तो वो माइनस साइन आ गया, ठीक है। और प्लस हमने लिखा ही था यहां पे, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था। ओके, तो
प्लस कब जब एक्यूट एंगल है, माइनस कब जब ऑब्ट्यूज है, कोई भी एंगल हो सकता है ना, ठीक है, इसलिए इसने मॉडुलस फॉर्म में लिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, दो लाइनों के बीच का एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आया tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इस पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे फॉर्मूले में मैंने क्या ड्राइव किया, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और यहाँ पे फॉर्मूले में मैंने क्या लिखा, क्या बताया आपको, m1 माइनस m2 है ना, वहाँ पे क्या था m2 माइनस m1, अरे भाई माइनस कॉमन लोगे तो वो मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो एक ही बात है m1 माइनस m2 करो या m2 माइनस m1, मोड का मतलब क्या है, जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव होके बाहर मिलेगी, ठीक है। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये भी ठीक है, और m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 भी ठीक है मोड के लिए, ओके। अच्छा पहला रिजल्ट क्या, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हो, जो आपको ये लाइन मिल रही है L1 और L2, ये इंटरसेक्ट ना करके ये दोनों पैरेलल हो, ठीक है। अगर पैरेलल होंगी मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनके बीच में एंगल भी नहीं बनेगा, एंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा जीरो हो गया, ठीक है। थीटा जीरो कब, जब दोनों लाइनें क्या हो, पैरेलल हो, L1 पैरेलल टू L2, उस केस में थीटा जीरो आएगा। तो यहाँ पे पुट करोगे टेन जीरो, टेन जीरो क्या होता है, जीरो, इधर एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, ये था, ठीक है। इसको पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी मानो, प्लस या माइनस साइन आएगा ना, इधर ट्रांसफर करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो क्या बचा है, m1 माइनस m2 इक्वल जीरो, यानी m1 इक्वल m2। ये रिजल्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर दो लाइनें पैरेलल थी तो उनकी स्लोप इक्वल थी, ओके, वही चीज यहाँ पे ये बता रहा है। सेकंड रिजल्ट क्या, अगर वो दोनों लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, ठीक है, इसका मतलब थीटा क्या है, 90, यानी टेन 90, इधर क्या m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, उसको लिख सकते हैं 1 बाई जीरो, इधर क्या m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, प्लस माइनस के साथ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये तो 1 के साथ और ये इधर आएगा 0 बन जाएगा, यानी 1 प्लस m1 m2 इक्वल 0। अब यहां से आप ये भी तो लिख सकते हो m1 m2 इक्वल माइनस 1, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी प्रोडक्ट, उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस 1। तो ये दो रिजल्ट भी आपको ध्यान रखने हैं, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं मतलब उनके बीच में थीटा क्या है, जीरो है, ठीक है, उस केस में दोनों की स्लोप इक्वल है, और अगर दोनों लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो उस केस में उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट माइनस 1 लेके आपको चलना है, ठीक है। अब अगला रिजल्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट ये है कि आपको एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, और ये कह रहा है कि इस लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन है, मान लो ये लाइन फर्स्ट ऐसे जा रही है तो इसके पैरेलल दूसरी लाइन ये है, तो इस वाली लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में आएगा, कैसा होगा, ठीक है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो, ओके, तो उस केस में क्या करेंगे, दोनों की स्लोप हमको पता है, ये दोनों पैरेलल है तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी, तो इस लाइन की जो स्लोप आएगी m1 वो कितनी आएगी, कोफिशेंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन अपॉन कोफिशेंट ऑफ y, यानी माइनस a अपॉन b आएगी, ठीक है। अब m1 इसकी स्लोप थी, ठीक है, तो इसकी स्लोप m2 अगर मैं लाइट करूं तो दोनों स्लोप सेम होंगी, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, तो m2 क्या आएगा, m2 भी माइनस a अपॉन b होगा, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, अगर इस लाइन की स्लोप ये वाली है तो क्या लिखेंगे, y इक्वल एम एक्स प्लस सी फॉर्म ना, तो y इक्वल m, m क्या है, इस लाइन की स्लोप, यानी m2, तो m2 क्या है, माइनस a अपॉन b प्लस कॉन्स्टेंट, उसको मैं सीडे सेलेक्ट कर लेता हूँ, c तो इसमें है, ठीक है, a और b सेम, क्यों, क्योंकि दोनों की स्लोप सेम है, तो यहाँ पे जो स्लोप आएगी वही स्लोप यहाँ पे होगी ना, ठीक है। अब b से मल्टीप्लाई करो तो बी वाई इधर, सॉरी यहाँ पे एक्स और आएगा, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी फॉर्म होती है ना, एक्स और आएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस ए एक्स, ठीक है, बी से मल्टीप्लाई करें कंप्लीट इक्वेशन को, बी सी डैश बी वाई, और ये इधर आएगा तो ए एक्स प्लस हो जाएगा, यानी ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, और ये इधर आएगा तो माइनस बी सी डैश इक्वल जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई, इस माइनस बी सी डैश को मैं एक नया कॉन्स्टेंट के नाम दे सकता हूँ, ठीक है, इस कंप्लीट के बदले मैंने एक कांस्टेंट ले लिया के, तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल होगी, मतलब ये कि आपको जो लाइन दे रखी है
और इसके पैरेलल कोई भी दूसरी लाइन आएगी तो उसमें आपको कांस्टेंट में चेंजमेंट मिलेगा, बाकी एक्स का कोफिशेंट और वाई का कोफिशेंट सेम रहेंगे, ठीक है। तो इस पे फोकस करना आप, एक्स और वाई वाली टर्म एज इट इज रहेगी, सेम रहेगी, जो भी कोफिशेंट है विद कोफिशेंट सेम रहेंगे, लेकिन कांस्टेंट टर्म सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वो जो आपको रिस्ट्रिक्शन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये कब, जब दोनों एक लाइन पैरेलल हो तो उसके, सॉरी, जब एक लाइन दे रखी हो तो उसके पैरेलल कोई दूसरी लाइन आप उससे फाइंड करवाए तो इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। यानी के का अंतर होगा, कोफिशेंट का, कॉन्स्टेंट का अंतर होगा, ओके। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, जब एक लाइन आपको दे रखी हो और उसके उस पर परपेंडिकुलर कोई दूसरी लाइन हो, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन पर कोई दूसरी लाइन, ये आपको लाइन दे रखी है, इस लाइन पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, जिसकी स्लोप मैं एम टू लिख रहा हूं, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है, जिस पे परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप मैं एम वन लेट कर लेता हूं, इस पे परपेंडिकुलर थी ना, तो इसकी स्लोप को मैंने एम वन लेट किया, तो यहां से एम वन क्या आएगी, मतलब इस लाइन की स्लोप क्या आएगी, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ वाई। अब देखो ये दोनों लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो ये रिजल्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होगा, ठीक है। तो यहां से एम टू क्या आएगा, माइनस वन अपॉन एम वन, अब यहां ये वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बी आएगा, सॉरी वाई का कोफिशेंट, तो ये बन जाएगा बी अपॉन ए। एम टू आ गया आपके पास, एम वन दे रखी थी वहां से, क्यों, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर थी, तो इस लाइन की स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव साइन आपको अप्लाई करना है और इसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है जो कि फर्स्ट वाली पे परपेंडिकुलर थी, तो उसकी स्लोप मेरे पास है, तो क्या आएगा, वाई इक्वल स्लोप इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सपोज के, ठीक है। वाई इक्वल एम टू क्या है मेरे पास, बी अपॉन ए एक्स प्लस के, कंप्लीट इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए वाई इक्वल बी एक्स प्लस के, ट्रांसफर करो, ए वाई माइनस बी एक्स माइनस के इक्वल, सॉरी ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ए के आएगा, ए के, ठीक है, इक्वल जीरो, ओके। अच्छा अब ए वाई माइनस बी एक्स, इस पूरे माइनस ए के कोफिशिएंट, ये जो कांस्टेंट है इसको मैं पी लेट कर लेता हूँ, इक्वल जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे होंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट था ए वो तो बन गया वाई का कोफिशिएंट, और जो वाई का कोफिशिएंट था बी वो बन गया एक्स का कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट एक्सचेंज हो जाएंगे और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टेंट है ये भी अलग हो जाएगा, तो अगर ये एक लाइन रखी उसके पैरेलल बोले तब तो कांस्टेंट चेंज होगा, बाकी सेम रहेंगे, और एक लाइन देखिए उस पे परपेंडिकुलर कोई दूसरी लाइन का इक्वेशन पूछे तो एक्स वाई के कोफिशिएंट चेंज कर दो, बीच में माइनस कर दो, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है इसको भी सेपरेट करना है, अलग करना है, कोई नया आएगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक्स प्लस टू वाई प्लस नाइन इक्वल जीरो, एक तो ये लाइन है, एंगल फाइंड करना है, एक्स प्लस टू वाई प्लस नाइन इक्वल जीरो, लाइन फर्स्ट, ठीक है। और दूसरी लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है थ्री एक्स प्लस वाई माइनस सेवन इक्वल जीरो, ठीक है। तो इन लाइन के बीच का जो एंगल है वो हमको फाइंड करना है, तो ये जो लाइन फर्स्ट थी इसका स्लोप क्या आएगा, सपोज मैं एम वन लेट करता हूँ, कोफिशेंट ऑफ एक्स विद नेगेटिव साइन अपॉन कोफिशेंट ऑफ वाई, ठीक है, क्या गया माइनस वन बाई टू, और एम टू मतलब लाइन टू है ना, उसका स्लोप कोफिशेंट ऑफ एक्स विद नेगेटिव साइन अपॉन कोफिशेंट ऑफ वाई, ठीक है, यानी माइनस थ्री। अब आपके पास एम वन और एम टू आ चुके हैं तो टेन थीटा फाइंड कर लो, क्या आएगा टेन थीटा, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, इसमें आपको ये वैल्यू पुट करनी है, एम वन क्या है माइनस वन बाई टू, माइनस एम टू माइनस थ्री तो प्लस थ्री हो जाएगा, अपॉन वन प्लस एम वन और एम टू दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस ही आएगा, यानी थ्री बाई टू। सोल्व करते अब, थ्री टू जा सिक्स माइनस वन फाइव अपॉन टू अपॉन
ये क्या आएगा, 2 + 3 5/2, सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे कैंसिल, यानी tan थीटा इक्वल 1, तो थीटा कितना, tan इनवर्स 1, मतलब tan में 1 कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था, अरे किस पेज में कर दिया, लास्ट में कर दिया, कोई बात नहीं, उल्टे चलते हैं। सेकंड देखो, अब इसका सेकंड में आपको इक्वेशन दे रखा है y -√3x - 5 = 0, ठीक है। यहाँ से स्लोप निकाल लो m1, कोफिशेंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन यानी √3 अपॉन कोफिशेंट ऑफ y यानी 1, तो m1 क्या आ गया, √3 आ गया। अब जो दूसरी लाइन आपको दे रखी है वो क्या है, √3y - x + 6 = 0, यहाँ से m2 निकाल लो, कोफिशेंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन 1 अपॉन कोफिशेंट ऑफ y √3। अब m1 है आपके पास, m2 है आपके पास, तो एंगल कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला लिखते पहले, tan थीटा इक्वल मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। tan थीटा इक्वल वैल्यू पुट करते हैं, m1 क्या है √3 माइनस m2 1 अपॉन √3, नीचे 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट 1 ही आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो m1 m2 को मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। तो ये आया √3 √3 √3 बन गया, 3 माइनस 1 2 यानी 2 अपॉन √3 और नीचे 2, ठीक है, तो 1/2 लिख सकते उसको सोल्व करने पे, यही आएगा, ठीक है। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव मोड हटाएंगे ना, अच्छा, तो tan थीटा क्या, पॉजिटिव यानी 1/√3, और ये कितने पे होते हैं, 1/√3 जो है वो tan में कितने पे, 30 पे, तो नेगेटिव वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, 180 माइनस थीटा को ना, तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, 180 माइनस 30 यानी 50 डिग्री, ये डिग्री में है जो भी एंगल है, ठीक है। ये माइनस वाला शायद आपके समझ में नहीं आया होगा, देखो कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज ये एंगल आ गया 30, फर्स्ट एंगल कितना आ गया पॉजिटिव वाला 30, तो दूसरा एंगल इजीली फाइंड नहीं कर सकते, दूसरा एंगल यही तो होगा इन दोनों लाइनों के बीच में, एक लाइन ये एक लाइन ये, इसके बीच में या तो ये होगा या फिर ये होगा, ओके। ये मत समझना ये और ये तो इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल हो गए वर्टिकल अपोजिट की वजह से, तो अगर ये 30 है तो दूसरा क्या आएगा, 180 में से माइनस कर लेंगे, लीनियर पेयर है तो कितना आएगा, 150 आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4, 5 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन 2x - y + 7 = 0, ठीक है, लाइन का इक्वेशन पूछे हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं पहले, तो इसमें बोल रखा है इसने कोई एक लाइन है जैसे कि ये लाइन, अब इसको दिल पर मत लेना कि हॉरिजॉन्टली होगी, कैसी भी हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, आड़ी बाकी तिरछी कैसी भी हो सकती है। इस लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है, और वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन आपको दे रखा है 2x - y + 7 = 0, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस लाइन के साथ कोई दूसरी लाइन है जो 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन हमको फाइंड करने के लिए इसने बोल रखा है, अगर ये लाइन 4, 5 से पास हो रही है, सपोज ये पॉइंट है 4, 5, ठीक है, तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है, अगर ये जो लाइन जिसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है ये इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो, ठीक है। तो इसके लिए हमको इस लाइन की स्लोप चाहिए, अगर स्लोप आ जाएगी, पासिंग पॉइंट हमारे पास है, तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। अब आप डायरेक्ट सोल्व मत कर लेना स्लोप इसकी वन आएगी, नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये इंक्लाइनेशन नहीं दे रखा आपको, ये इंक्लाइनेशन इस लाइन के साथ दे रखा है, ठीक है, इस लाइन के साथ इस एंगल पे झुकी हुई है ये लाइन, ठीक है, ना कि आप स्लोप फॉर्म में कभी इसको 10 45 ले लो, स्लोप 1 निकाल लो, वो एक्स एक्सिस के साथ निकाला जाता है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस होता तो वाई इक्वल जीरो इसका इक्वेशन होता, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो एंगल है ये दो लाइनों के बीच का ही तो एंगल दे रखा आपको, है ना, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या था, tan थीटा, थीटा यहाँ पे 45 है, इक्वल स्लोप, इस लाइन की स्लोप निकाल लो पहले m1,
एम वन क्या आएगी, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन कोफिशेंट ऑफ वाई यानी टू। तो एम वन, चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं पहले, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, ठीक है, मोड के अंदर, मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। ये वैल्यू वन, एम वन की वैल्यू टू, एम टू नहीं है, एम टू क्या, इस लाइन की स्लोप जिसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है, अपॉन वन प्लस एम वन एम टू यानी टू एम टू, ठीक है, प्लस माइनस के साथ। एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव, तो पहले मैं पॉजिटिव लेके सोल्व कर रहा हूँ, इसको पॉजिटिव लेके, तो ये इधर आएगा, तो वन प्लस टू एम टू इक्वल टू माइनस एम टू, तो ये बन गया थ्री एम टू इक्वल वन, एम टू इक्वल वन अपॉन थ्री। इस लाइन की एक स्लोप क्या आ गई है, एम टू इक्वल वन अपॉन थ्री, दूसरी स्लोप जब नेगेटिव साइन लेंगे, यानी वन प्लस टू एम टू इक्वल नेगेटिव किसको, इस वाले को ना, मतलब ऊपर वाले को, तो नेगेटिव लेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, एम टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव, ठीक है। अब एम टू सोल्व कर लो, यहाँ से क्या आएगा, सिंगल M2 बचेगा और इधर माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो स्लोप आ गई है, M1 आ गया, सॉरी M2 की दो वैल्यू आ गई है, तो इस लाइन के इक्वेशन भी दो आएंगे क्योंकि स्लोप आपके पास दो है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, पासिंग पॉइंट 4.5 है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन कब, जब स्लोप क्या लें, शुरुआत वाली स्लोप ले लेते हैं, कहाँ है ये रहा, ठीक है, M2 1 अपॉन 3 पासिंग पॉइंट 4.5 M2, अरे भूल गया यार क्या थी, 1 अपॉन 3 और पासिंग पॉइंट क्या है, सपोज OP पॉइंट है 4.5, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इक्वेशन आया था y माइनस वाई वन इक्वल स्लोप इनटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। कंप्लीट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस 15 इक्वल एक्स माइनस 4, अब इसको तमीज से लिख लो, एक्स माइनस 3y और ये इधर आएगा तो प्लस 11 बचेगा इक्वल 0, एक ये इक्वेशन आ गया। दूसरा कब आएगा, जब m2 को चेंज करेंगे, ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन था, सेकेंड इक्वेशन कब, M2 माइनस थ्री आई थी वो वाला, एक बार देख लो, M2 माइनस थ्री और पासिंग पॉइंट 4.5, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस वाई वन इक्वल स्लोप x माइनस एक्स वन, ठीक है, y माइनस फाइव इक्वल माइनस थ्री एक्स प्लस 12, इनको सोल्व कराओ तो 3x प्लस y इक्वल 17, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन होंगे उस लाइन के जिसका इक्वेशन हमको फाइंड करना था, वो दोनों इक्वेशन होंगे ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें बोल रखा है कि ये आपको जो तीन लाइन का इक्वेशन दे रखी है, ये ट्रायंगल की तीनों साइडों का इक्वेशन है, तो उसके इंटीरियर एंगल क्या क्या होंगे, ठीक है। तो दो साइडों के बीच का जो एंगल है वो निकाल रहा हूँ मैं पहले, इन दोनों साइडों से, फर्स्ट और सेकंड वाले से, ठीक है। तो यहाँ से M1 निकाल लो, M1 क्या आएगा, कोफिशेंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन अपॉन कोफिशेंट ऑफ y 1, ठीक है। M2 क्या, कोफिशेंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन अपॉन कोफिशेंट ऑफ y यानी 1 अपॉन 3, इसमें कोफिशेंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन माइनस 1 अपॉन कोफिशेंट ऑफ y, ठीक है, तीनों के स्लोप आ चुके हैं मेरे पास। अच्छा, एंगल फाइंड करना है तो पहले इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल फाइंड कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो मान लेता हूं tan थीटा 1 है, tan थीटा 1 इक्वल m1 और m2 के बीच का है ना, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। m1 क्या, माइनस 3, m2 क्या, 1 अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 इंटू 1 बाई 3 1 आएगा,
ठीक है, तो ये क्या हो गया नीचे जीरो टेन थीटा वन, ठीक है, तो थीटा वन क्या आएगा टेन इनवर्स नॉट डिफाइन, चलो इनवर्स को छोड़ो है ना, कंफ्यूज हो जाओगे ट्वेल्थ में, ये देखो तो टेन थीटा वन इधर क्या आया अपॉन जीरो मतलब नॉट डिफाइन, ठीक है, तो टेन में नॉट डिफाइन कितने पे 90 पे, तो थीटा वन क्या 90 डिग्री, तो इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री। अब मैं बात करता हूँ इसके और इसके बीच की, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे फाइंड करें, आपके पास इनकी स्लोप है, ओके, तो ये आएगा थीटा टू, लेट कर लेते इसको टेन थीटा टू, तो ये एम वन और ये एम टू मान के फिर सोल्व करना है, तो एम वन क्या है 1/3 माइनस एम टू माइनस 1/2 तो प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट माइनस में आएगा 1/6, ठीक है, अब इनको सोल्व करना है, तो ऊपर तो आ रहा है एलसीएम 6, साइड में कर देता हूँ एलसीएम 6 3 टू जा और 2 3 जा और नीचे 6 माइनस 1 5 अपॉन 6 नेगेटिव आएगा लेकिन मोड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, 5/6 / 5/6 1 किसके इक्वल थीटा 2 टेन थीटा 2 के इक्वल, तो थीटा 2 क्या आएगा 10 हटाया ना मतलब ये 10 में कितने पे आता है 45 पे आता है, ठीक है, तो थीटा 2 कितना आ गया 45। अब दो एंगल आपके पास है तो तीसरा एंगल वो कितना आएगा वो भी 45 आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, दो की वैल्यू है आपके पास तीसरी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, या फिर फर्स्ट और सेकंड से आप सोल्व करोगे तो वो भी कितना आएगा 45 डिग्री आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो फोर्थ है उसको, इसमें क्या बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस व्हिच पासेस थ्रू 4, 5 इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, एंड मेक इक्वल एंगल्स विद द लाइंस ये एंड ये, आपको दो लाइन रखी है उन दोनों लाइनों से इक्वल एंगल बना रही है कौन, जिसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है, ठीक है, तो जिसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है तो उसकी स्लोप में एम लेट कर लेता हूं, फोर्थ क्वेश्चन है ये, लेट एम बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन हमको चाहिए ना उसकी स्लोप है, ठीक है, अच्छा, और ये जो लाइन है ना ये 4, 5 पॉइंट से पास हो रही है, ओके, तो अगर मेरे को m की वैल्यू मिल जाए तो इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, तो ये m की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, इसने रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि ये जो लाइन जिसकी स्लोप m है वो इस लाइन के साथ और जो दूसरी लाइन है उसके साथ इक्वल एंगल बना रही है, ठीक है, यानी यहां से जो टेन थीटा आएगा इस लाइन के साथ इस लाइन का वो और जो दूसरी लाइन के साथ आएगा वो दोनों इक्वल होंगे, ओके, तो इस लाइन से जो स्लोप आएगी किससे 5x - 12y + 6 = 0 से, इस लाइन की स्लोप को मैं एम वन लेट कर लेता हूं, ठीक है, वो क्या आएगी y = mx + c फॉर्म से 5/12 या फिर कोफिशेंट ऑफ एक्स विद नेगेटिव साइन अपॉन कोफिशेंट ऑफ वाई, तो माइनस कट जाएगा -12 से, माइनस जो 5 के आगे लिखा था तो 5/12 बचेगा, और जो दूसरी लाइन है वो क्या है 3x इधर आएगा तो -4y - 7 = 0, तो इस लाइन की स्लोप को मैं m2 लेट कर लेता हूँ और वो कितनी आएगी 3/4, ठीक है, तो जो सेकंड लाइन है ना इसके साथ ये जो एंगल बनाएगी वो मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, इस लाइन की स्लोप क्या थी m थी माइनस दूसरी वाली लाइन की स्लोप 5/12 अपॉन 1 + m1 m2 1 + m1 तो m है और m2 कितनी है 5/12 है, ठीक है, ये जो एंगल है ये इक्वल है किसके इक्वल है इसी लाइन का थर्ड लाइन के साथ जो एंगल आएगा उसके इक्वल है, ठीक है, तो इसकी स्लोप m और इसकी स्लोप 3/4 अपॉन 1 + दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, m इंटू 3/4 तो 3m/4 हो गया, ओके, एलसीएम लेके सोल्व करो तो ये आएगा 12m - 5/12, नीचे भी तो एलसीएम 12 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 12 + 5m मोड और इधर 4m - 3 और नीचे क्या आएगा 4 + 3m, ठीक है, अब मोड हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस कर देंगे, ओके, तो ये टर्म एज इट इज लिख रहा हूं मैं 12m - 5
12m माइनस 5 अपॉन 12 प्लस 5m, 12 प्लस 5m इक्वल प्लस माइनस, अब इधर क्या था मोड हटाने के बाद क्या मिलेगा, 4m माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3m, 4m माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3m, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव वैल्यू लेनी है, केस फर्स्ट, कब, जब पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ली मैंने, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12m माइनस 5 इसके साथ कौन आएगा, 4 प्लस 3m इक्वल, पॉजिटिव वैल्यू ली है मैंने इसकी, तो ये पॉजिटिव, 4m माइनस 3 इसके साथ कौन आएगा, 12 प्लस 5m मल्टीप्लाई 12 प्लस 5m। अब इनको सोल्व करते हैं, तो ये आएगा 48m प्लस 36m स्क्वायर माइनस 20 माइनस 15m इक्वल 412, 48m प्लस 20m स्क्वायर माइनस 36 माइनस 15m माइनस 15m प्लस 15m 48m 48m और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 20m, इसमें माइनस करोगे तो कितना आएगा 16m स्क्वायर, और ये माइनस 36 तो है ही, इधर आएगा तो माइनस 20 कितना आएगा माइनस 16, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है और इधर नेगेटिव साइन है, तो स्क्वायर डालोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा जो कि आयटा क्रिएट करेगा, ठीक है। ये तो इम्पॉसिबल हो गया, मतलब यहाँ पे प्लस की वैल्यू नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो अब केस सेकंड लेना होगा, माइनस की वैल्यू पे चेक करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यार ये फिर से लिखना पड़ेगा ये वाला, ये सब कुछ है ना, मैं इसको रफ कर दूं, नहीं ठीक नहीं लगेगा, है क्या, 12m माइनस 5, 5m प्लस 12, 12m माइनस 5 अपॉन 5 प्लस 12m। अब की बार केस सेकंड है ये, ठीक है, तो इधर माइनस लेंगे, ओके। ये 5m प्लस 12 है, सॉरी 5m प्लस 12, तो यहां पे लिखा मैंने 5m प्लस 12 सेकंड केस, ओके। इधर क्या था, नेगेटिव था, 4m माइनस 3 4 प्लस 3m, 4m माइनस 3 4 प्लस 3m, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12m माइनस 5 इसके साथ आएगा 4 प्लस 3m इक्वल माइनस 4m माइनस 3 मल्टीप्लाई इसके साथ आएगा 5m प्लस 12, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं, 48m और प्लस 36m स्क्वायर माइनस 20 माइनस 15m इक्वल माइनस 20m स्क्वायर, और ये स्क्वायर है, माइनस 48m माइनस माइनस प्लस 3 से कर दो 15m प्लस 36, ठीक है, 36m स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 56m स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 48m 96m 48 प्लस 48 96m, और दो टर्म और है ना, ये माइनस का हो जाएगा इधर आके तो माइनस 30m हो गया, माइनस 30m, माइनस 20 था ये इधर आएगा तो माइनस 36 कितना, माइनस 56 हो गया इक्वल 0, ठीक है। ये कितना 66 बचा, कितना बचा 66m, ठीक है, और 2 से डिवाइड भी कर दो तो यहाँ पे आएगा 28m स्क्वायर, और ये 66 था 2 से डिवाइड करोगे तो 33m, और ये 2 से डिवाइड करने पे 28 इक्वल 0, ठीक है। अब
ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इसको सोल्व करना है आपको, था क्या वो मैं लिख देता हूँ, 28m² प्लस 30 प्लस है माइनस है, प्लस 33m माइनस 28, प्लस 33m माइनस 28 इक्वल जीरो, ठीक है। अब m मेरे को फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 33² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये भी माइनस में है तो इस माइनस को प्लस कर देगा 28, और नीचे अपॉन 2a यानी 2 मल्टीप्लाई 28, ठीक है। m इक्वल माइनस 33 प्लस माइनस रूट, अब ये जो वैल्यू आ रही है इसमें जो 33 का स्क्वायर है वो क्या होता है 1089, और ये क्या 784 मल्टीप्लाई 4, तो यहां पे आएगा 3136, और नीचे 56 हो गया मल्टीप्लाई करने पे। m इक्वल माइनस 33 प्लस माइनस, इनको ऐड करेंगे तो 4224 आ रहा है, 4225, ठीक है, और नीचे 56, और ये किसका स्क्वायर है, ये 65 का है, ठीक है। m इक्वल कितना आएगा, माइनस 33 प्लस माइनस 65 अपॉन 56, अब दो साइन आ रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, m इक्वल माइनस 33 प्लस माइनस 65 अपॉन 28, ये फाइनली हमको मिल गया था, 28 इंटू 2 था ना, 56 था सॉरी, इंटू 2 कर दिया मैंने, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। तो m इक्वल पॉजिटिव लोगे तो माइनस 33 प्लस 65 अपॉन 56, और नेगेटिव लोगे तो माइनस 33 माइनस 65 अपॉन 56, ठीक है। m इक्वल अब इनको माइनस करना है, कितना 32 नीचे 56, सेम साइन ये ऐड हो जाएंगे 98 और नीचे 56, m इक्वल ये 8 से कट रहा है, m इक्वल ये 14 से कट रहा है, ठीक है। m की मेरे पास दो वैल्यू आ गई तो दो इक्वेशन आएंगे, पासिंग पॉइंट क्या था 4.5, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन नेक्स्ट पेज पे करते हैं, m की वैल्यू दो आ रही है 4/7 और -7/4, m की वैल्यू एक तो है 4/7 और m की दूसरी वैल्यू थी -7/4, और पासिंग पॉइंट क्या था 4.5, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशंस ऑफ लाइंस, तो उन लाइनों के इक्वेशन क्या क्या आएंगे, पासिंग पॉइंट आपके पास है तो y-y1 इक्वल स्लोप, पहले मैं इस स्लोप से इक्वेशन फाइंड कर रहा हूँ, 4/7 x-x1 वो 4 है, यहाँ से 7 से कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर दो, 7y-35 इक्वल 4x-16, तो इसको तमीज से लिख लो, 4x इधर आएगा -7y, ठीक है, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -16 प्लस 35 19, तो प्लस 19 बचा इक्वल 0, ठीक है। तो ये तो वो इक्वेशन है जिसकी स्लोप 4/7 थी और पासिंग पॉइंट 4.5 था। अब एक और इक्वेशन आएगा जब ये स्लोप लेंगे और पासिंग पॉइंट तो वही है, ठीक है, एंड अदर इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, y-y1 इक्वल स्लोप x-x1, अब इसको सोल्व करो, 4 से कंप्लीट को मल्टीप्लाई, 4y-20 इक्वल -7x -+28, तमीज से लिखो इसको, तो 7x पॉजिटिव हो गया, 4y ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा,
28+20 यानी 48, ठीक है, दूसरा इक्वेशन ये होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।